हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर हिना और आज हम करेंगे पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। एज द नेम सजेस्ट, एक्सेलरेटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू एक्सेलरेट द पार्टिकल्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम चार्ज पार्टिकल्स को डील करते हैं, लाइक प्रोटोन, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल। और हम इससे पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ चुके हैं और हमें पता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर रिएक्शन होने के लिए या न्यूक्लियर ट्रांसमोटेशन होने के लिए या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें नेसेसरी है कि इंसिडेंट चार्ज पार्टिकल आए और न्यूक्लियस के अंदर चला जाए और रिएक्शन प्रोड्यूस करे। और न्यूक्लियस इटसेल्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और न्यूक्लियर का एक बैरियर पोटेंशियल होता है, सो वी नीडेड वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल टू क्रॉस दैट बैरियर। और जो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से पार्टिकल्स निकलते हैं उनकी एनर्जी या उनकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। सो एक्सेलरेटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट इन कंडक्टिंग रिसर्च विथ रेफरेंस टू द पार्टिकल्स सच एज मीजोन्स, एंटी प्रोटोन, एंटी न्यूट्रॉन्स। और ये भी कह सकते हैं कि एक मैकेनिकल डिवाइस है जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर देते हैं चार्ज पार्टिकल की। सो द हाई एनर्जी पार्टिकल्स और प्रोजेक्ट साइज आर ऑब्टेन बाय एक्सेलरेटिंग दैम इन सम मैकेनिकल डिवाइस इज नोन एज एक्सेलरेटर। सो यू कैन से एक्सेलरेटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू इम्पार्ट काइनेटिक एनर्जी टू द चार्ज पार्टिकल। एंड डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल, द एक्सटेंट ऑफ एनर्जी टू विच इज दे आर टू बी एक्सेलरेटेड, the following are different type of accelerator that have been designed to accelerate different charged particles to the desired energy. means आपके पास चार टाइप के एक्सेलरेटर है कि हम उन्हें किस किस तरह एक्सेलरेट कर सकते हैं, किस किस तरह एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक हम उन्हें स्टैटिक पोटेंशियल दे रहे हैं या फिर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेटर इज लाइक वेंडी ग्राफ जनरेटर। इस टाइप के एक्सेलरेटर आप पहले पढ़ चुके हैं, वेंडी ग्राफ जनरेटर टाइप। प्लस टू में आपने पढ़ा था, इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं लाइक दिस, प्लस माइनस। और अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो हम उनको यहाँ एक्सेलरेट करते हैं, एक कन्वेयर बेल्ट होती है पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करने के लिए, स्प्रे कॉम एंड ऑल दैट आप सब पहले पढ़ चुके हैं। सो इसके लिए हम लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब में, जिसमें आयंस आर अलाउड टू फॉल थ्रू लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। और वो अगर इस पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू पास होंगे तो उनकी एक्सेलरेट होंगे और अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। सेकेंड टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल इज लाइक दैट ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये भी आपने पहले प्लस टू में पढ़ चुके हैं। इसमें क्या होता है कि जो चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में बहुत सारे ट्रिप्स लेता है और हर पाथ में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन करता है। ये आपने पढ़ा था ना कि दो प्रॉपर डी शेप होते हैं जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है या चार्ज पार्टिकल, तो वो एक बार जब इसमें से पास करता है हर बार एनर्जी गेन करता है और हर बार ये जो स्पायरल शेप है ये पाथ इसका इंक्रीज करता जाता है और अल्टीमेटली बाहर आता है। और जिस टाइम के लिए वो एक अपने प्रॉपर डी शेप से बाहर आता है जिस भी पोजीशन पे, तो आपका फील्ड चेंज हो जाता है। सपोज़ कीजिए, मैं एक बार दोबारा बना रही हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे होता। मान लीजिए ये टू प्रॉपर डी शेप है, ये प्रॉपर डी शेप तो नहीं बन रही, सेंटर में यहाँ आपके पास है, यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होगा। सपोज़ कीजिए उस टाइम पे यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये नेगेटिव पोटेंशियल है। सो इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगा होता है उस वजह से ये सेमी सर्कुलर पाथ लेगा। और जब ये पाथ ट्रेस करके बाहर आएगा उस टाइम पे क्या होगा, पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, नाउ दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव। तो वो इस तरफ अट्रैक्ट होगा और एक और पाथ लेगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ हो चुकी है, अब जो पाथ होगा वो उसकी ज़्यादा रेडियस का होगा और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। सो बहुत ज़्यादा वो ट्रिप सर्कुलर पाथ लेता है, बहुत ज़्यादा इट टेक्स मैनी ट्रिप्स इन साइड दीज डीज एंड इन ईच ट्रिप इट गेन सम काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर एन एडिक्वेट नंबर ऑफ सर्कुलर ट्रिप्स बाय द पार्टिकल्स इन द डिवाइस इट एक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दीज आर एक्सट्रैक्टेड फॉर द यूज इन न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट। थर्ड ग्रुप विच इज इन यूर सिलेबस इज योर लीनियर एक्सेलरेटर। इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, इसको लीनियर एक्स भी कहते हैं।
इस टाइप ऑफ एक्सेलरेटर में जो पार्टिकल्स है वो लीनियर पार्ट ट्रेवल करता है, छोटे छोटे लीनियर पार्ट ट्रेवल करेगा इस तरह, और हर एक पार्ट इसके पास कुछ पोटेंशियल लगा होगा इस तरह गैप्स में, और इन पर हर एक छोटे छोटे गैप है वो एनर्जी गेन करता जाएगा। ओके, सो थर्ड ग्रुप इज दिस एंड द फोर्थ ग्रुप इज एसोसिएटेड विद द एक्सेलरेटर इन द सेकेंड ग्रुप, बट यहाँ पे साथ ही साथ फेज स्टेबिलिटी आ जाएगी, लाइक सिंक्रो साइक्लोट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन, कि अब साथ साथ फेज का भी हम ध्यान रखेंगे, उसी तरह ही है लाइक सेकेंड ग्रुप साइक्लोट्रॉन की तरह। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। योर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल एक्सेलरेटर इन इंडिया। अब ये ध्यान से देखिए कि इंडिया में कौन कौन सी रिसर्च फैसिलिटी अवेलेबल है। ओवर द ईयर इंडिया हैज़ अचीव्ड कैपेबिलिटी टू डिज़ाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट एक्सेलरेटर एंड कैरी आउट एक्सेलरेटर बेस्ड मैनी रिसर्च प्रोग्राम इन वेरियस लीडिंग एरिया ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड रिसर्च। इंडिया में जो सबसे मेन सेंटर एस्टेब्लिश किए गए थे, फोर मेजर एक्सेलरेटर हैं इंडिया में अवेलेबल। फर्स्ट वन इज़ इन दिल्ली, सेकेंड इज़ इन इंदौर, थर्ड इज़ इन कोलकाता एंड फोर्थ इज़ इन मुंबई। जो मेन चार एक्सेलरेटर सेंटर, मेजर एक्सेलरेटर सेंटर है, ये आज भी सक्सेसफुल रन हो रहे हैं, और इन्हें कंट्रोल करते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। ओके, और यहाँ पे आप बहुत सारे जो रिसर्च फैसिलिटी है, जो पीएचडी करते हैं, तो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है, तो इन्हें बहुत मिनिमल चार्जेस पे ये एक्सेलरेटर को की फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। सो इंडिया ने जो फर्स्ट स्टार्टिंग की थी, दैट इज़ विद 1 MV साइक्लो क्रॉफ्ट वॉल्टन एक्सेलरेटर एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च टिफर इन मुंबई, एट एंड ए लो एनर्जी साइक्लोट्रॉन एट साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कैलकाटा इन 1950s में पहला एक्सेलरेटर इंडिया में ऑपरेट किया गया था। फर्स्ट वन इज़ इन द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई एंड द सेकेंड वन इज़ एट साहा इंस्टीट्यूट इन कैलकाटा। बट ये जो दोनों थे, इनकी एनर्जी बहुत लो थी, 1 MeV का था, और दूसरा भी लो एनर्जी साइक्लोट्रॉन था। और अर्ली 60s में फिर एक और लगा 5.5 MV वेंडीग्राफ जनरेटर, इसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क मुंबई में लगाया गया था। नेक्स्ट जो था, दैट इज़ 2.5 MV वेंडीग्राफ जनरेटर, एंड दिस 2.5 MV वेंडीग्राफ जनरेटर IIT कानपुर में लगा था। और लो एनर्जी साइक्लोट्रॉन 5 MV पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, ये भी 1960 में था, और इवन अभी भी ये ऑपरेटिंग कंडीशन में है, साइक्लोट्रॉन इन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सिमिलर सब्सिक्वेंटली साथ ही साथ दो टैंडम एक्सेलरेटर, टैंडम एक्सेलरेटर फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, और ये जो थे मुंबई और दिल्ली में रहे थे। टैंडम एक्सेलरेटर वेंडीग्राफ जनरेटर टाइप भी ही होता है, बट इसमें टू स्टेजेस होती हैं। ओके, उसी की ही सेकेंड और एडवांस स्टेज है ये। तो ये मुंबई और दिल्ली में साथ ही साथ लगे थे 1990 में, जिन्होंने इंडिया में हाई हैवी आयन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को स्टार्ट किया था इसके बाद से। एंड द नेक्स्ट वन इंडिजियसली कंस्ट्रक्टेड K=120 वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन इन 80s इन कैलकाटा, स्टार्टेड द मीडियम एनर्जी एक्सेलरेटर। हैवी एनर्जी लास्ट टैंडम एक्सेलरेटर ने स्टार्ट की थी, और जो मीडियम एनर्जी एक्सेलरेटर बेस्ड रिसर्च प्रोग्राम था इंडिया में, इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय एक्सेलरेटर इन कैलकाटा। और मेजर एडवांसमेंट आई थी जब 14 MV हैवी एंड टैंडम एक्सेलरेटर 14 UD पैलेट्रॉन फैसिलिटी वॉज जॉइंटली सेटअप बाय बार्क एंड टिफर इन 1989 मुंबई में थी। उसके बाद जो मेजर पॉइंट्स थे वो सिर्फ वही हाईलाइट किए गए। 1991 में 15 MV टैंडम एक्सेलरेटर लगा था, टर्मिनल वोल्टेज थी उसमें 50 UD पैलेट्रॉन, जो कि UGC की हेल्प से लगा था NSC दिल्ली में, जिसने बहुत बूस्ट किया था रिसर्च प्रोग्राम को यूनिवर्सिटीज़ में। ये जो UGC ने इनको दिल्ली में लगा है NSC में, ये बहुत हेल्पफुल था रिसर्च प्रोग्राम के लिए। इवन अगर कोई यहाँ KU या GJU में भी इस फील्ड में रिसर्च करता है, तो वो वहाँ से टाइम लेते हैं और वहाँ जाके आयन बीम टाइम लेते हैं और वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। ओके, और एक नया सेंटर बना था एडवांस टेक्नोलॉजी, कैट वाज सेट इन इंदौर इन 80s, वेयर एट प्रेजेंट अ सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटी कंप्रोमाइजिंग और 450 MeV। देखिए
कितनी ज़्यादा एनर्जी तक हम पहुंच गए हैं। शुरुआत हमने 1 MeV से की थी और 450 MeV का सेंटर जो है बेस्ड अब इंडिया में है। दिस इज़ कमीशन एंड प्रोग्रेस विथ 2 GV सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन स्टेटस, और अब इसे अपग्रेड किया गया है स्किनिंग को 2.5 GV। देखो वहाँ 1 MeV से शुरू हुआ था, अब 2.5 GV तक टिल डेट पहुँच चुके हैं। और आज की डेट में अगर हम लो एनर्जी एक्सेलरेटर की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, लाइक 3 MV टैंडम एट CCM हैदराबाद, 2 MV एट IGCR चेन्नई, और अगर आप इसी तरह ये लिस्ट दी हुई है। और रिसेंटली 2015 में 200 kV हैवी पॉजिटिव आयन एक्सेलरेटर इंस्टॉल किया गया था KUK में। जो नियरेस्ट एक्सेलरेटर है आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल ये KUK वाला है, सेकेंड जो है साइक्लोट्रॉन है जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में। सो बहुत सारे प्रोपोजल सेटअप हैं। अब हमारा फोकस है, अभी हम 2.5 GV तक पहुँचे हैं इंडिया में एक्सेलरेटर के फील्ड में। आवर फोकस इज नाउ शिफ्टेड टू अ मल्टी GV प्रोटोन एक्सेलरेटर फैसिलिटी टू प्रोवाइड स्पेशल न्यूट्रॉन सेकेंडरी मीजोन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। सो प्रपोजल है 3 GV प्रोटोन सिंक्रोटोन को बिल्ड करने का इंडिया में, ताकि न्यूक्लियर फिजिक्स में, कंडेंस मैटर फिजिक्स में, रेडियो एक्टिव फिजिक्स में बूस्ट मिल पाए। और अल्टीमेटली इनका गोल होता है कि हमें नई तरह की रेडिएशन मिले, वो किसी न किसी तरह ह्यूमन काइंड के लिए हेल्पफुल हो। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज लीनियर एक्सेलरेटर फॉर द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। चार्ज पार्टिकल्स हैविंग एनर्जी ऑफ मैनी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आर रिक्वायर्ड। सो इट इज़ डिफिकल्ट टू जनरेट डायरेक्ट वोल्टेजेस ऑफ ऑर्डर ऑफ 10 मिलियन वोल्ट्स रिचार्ज में। अगर हम DC वोल्टेजेस की बात करें, सो 10 मिलियन वोल्ट्स जनरेट करना बहुत मुश्किल है। इंसुलेशन नहीं होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, इतना हैवी करंट वायर से जाएगा, तो हमें वहाँ पे भी दिक्कत होगी, क्योंकि डायरेक्ट करंट इतना ज़्यादा अमाउंट में लेना। अगर हम वेंडीग्राफ जनरेटर, आप सबने बेसिक पढ़ा हुआ है, हाई पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल, अगर हमें हाई वोल्टेजेस चाहिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी चाहिए, तो इतना ज़्यादा 10 मिलियन वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करना इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग। सो हमें इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई करने पड़ते हैं इतनी हाई एनर्जी पाने के लिए। और वो वन ऑफ द मेथड इज़ द लीनियर एक्सेलरेटर। लीनियर एक्सेलरेटर इज़ अ डिवाइस विच एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल आयंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन बाय द एप्लीकेशन ऑफ अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। और अब यहाँ देखिए कि पहले तो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट फील्ड लगा दो, हम अल्टरनेटिंग फील्ड जो है उसकी वैल्यू मिलियंस ऑफ वोल्ट में नहीं रखेंगे, बट अल्टरनेटिंग फील्ड है वो बार बार चेंज हो रहा है। सो अभी आप देखेंगे कि किस तरह कम वैल्यू लगा के, कम पोटेंशियल लगा के हम हाई एनर्जी पार्टिकल कर सकते हैं। दो टाइप के लीनियर एक्सेलरेटर हैं, आपकी जो मॉडर्न की बुक है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का दिया हुआ है। बट सिलेबस में लिखा हुआ है लीनियर एक्सेलरेटर। सो मैं आपको दोनों टाइप के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट वन इज़ योर ड्रिफ्ट ट्यूब लीनियर एक्सेलरेटर। इसमें जो आयंस है, सक्सेसिव सीरीज ऑफ पोटेंशियल दिया जाता है इलेक्ट्रोड्स के बीच में, कॉन्टैक्ट फेस होता है। सेकेंड टाइप होता है वेव गाइड टाइप एक्सेलरेटर। इसमें क्या होता है कि ट्रैवलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सेटअप की जाती है मेटेलिक पाइप में, जिसे वेव गाइड कहते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 10^9 हर्ट्स एम्प्लॉय किया जाता है इस वेव को सेट करने के लिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन दोनों का, अभी कुछ समझ नहीं आया होगा तुम्हें कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स के बीच में अप्लाई करते हैं या ये वेव गाइड क्या होती है, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो पार्टिकल एक्सेलरेटर जो फर्स्ट वन है ड्रिफ्ट ट्यूब, इसमें एक्सेलरेट होगा लीनियर पाथ में एट सक्सेसिव स्टेजेस। आज के लेक्चर में मैं आपको जस्ट दोनों का बेसिक ही कराऊंगी डिटेल में, क्योंकि एक प्रॉपर लेक्चर नीडेड है ड्रिफ्ट ट्यूब को करने के लिए भी और वेव गाइड को करने के लिए भी। सो जस्ट आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन यहाँ देखिए। सो ये ड्रिफ्ट ट्यूब लीनियर एक्सेलरेटर है, यहाँ पे यहाँ सोर्स ऑफ आयन आ रहा है जिसको भी आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं। ये ट्यूब्स हैं C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड सो ऑन, हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर है। अब ये चीज़ ध्यान देखो, जो C1, C3, C5 ये है, ये तीनों कनेक्ट हैं, और ये देखो C2, ये देखो C4 इससे कनेक्ट नहीं है, यहाँ गैप लगा रखा है इन्होंने। C2, C4 और C6 ये बनाने में गलती है, ऑल्टरनेट सिलेंडर्स कनेक्टेड होते हैं, और ये C6 इन्होंने छोटा दिखाया, आप एग्ज़ाम में इससे बड़ा दिखाएंगे। ओके,
सो ये एक साइड से कनेक्ट है, अल्टरनेट सिलेंडर कनेक्ट है। अब देखो हमने कहा था ना कि इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं अल्टरनेटिंग उसकी, तो उसका क्या यूज़ है? देखो आयन आया, मान लीजिए पॉजिटिव आयन है आपके पास, उसने सी वन नेगेटिव है, सी वन नेगेटिव है तो क्या होगा? पॉजिटिव आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब वो इसके अंदर से ट्रैवल कर रहा है, एंड यू नो दैट होलो चार्ज कंडक्टर, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। इसका प्रिंसिपल भी यही है, ध्यान दो, ड्रिफ्ट ट्यूब लीनियर एक्सेलेटर, इसका प्रिंसिपल है इनसाइड अ होलो चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एंड हेंस अ चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूस टू मूव इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कि होलो कंडक्टर के अंदर आपका जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, जीरो रहता है। सो जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ आया, पहले पॉजिटिव आयन था, सपोज कीजिए यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल है, ये भी नेगेटिव पोटेंशियल पे है, ये भी, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है। सो ये एक्सेल पॉजिटिव आयन इसकी तरफ गया, एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, और क्या होगा आपका, नेगेटिव की तरफ जाके एक्सेलरेट हुआ, जैसे ही अंदर गया कांस्टेंट फेस से मूव किया। अब इसकी हमने लेंथ इस तरह से सेट की है कि जैसे ही पॉजिटिव आयन बाहर आएगा, पॉजिटिव आयन बाहर आएगा, उस टाइम पे क्या होगा, आपकी फील्ड चेंज हो जाएगा। फील्ड चेंज होने का क्या मतलब है कि ये पहले नेगेटिव था तो ये अब पॉजिटिव हो गया, अल्टरनेटिंग है ना आपका, सो इस टाइम पे ये चेंज हो गया। अब ये नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है। आयन यहाँ से बाहर आया, पॉजिटिव आयन है, उसको नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा, फिर एक्सेलरेट होगा, फिर सिलेंडर के अंदर जाएगा तो फिर से वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, यहाँ पास करेगा। अब ये देखो कि मैंने तुम्हें कहा था कि सिलेंडर की लेंथ इंक्रीज कर रही है, अब इस लेंथ की इंक्रीज करने का क्या बेनिफिट है? लेंथ का इंक्रीज होगी, पीरियोडिक इंक्रीज है लेंथ में, उस वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि हर स्टेज पे, हर सक्सेसिव गैप में यहाँ पे आयन एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेट होने का मतलब है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। सो फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम पीरियड के लिए, अगर वेलोसिटी हर बार इंक्रीज हो रही है तो वो हर बार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, इसीलिए हर बार ये जो सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं इनकी लेंथ इंक्रीज हो रही है। सो ये बनाते हुए तुम ध्यान रखोगे इस चीज़ का। ओके सो मैंने आपको इसकी वर्किंग बता दी है कि किस तरह काम करता है, कंस्ट्रक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके सो इट इज़ क्लियर कि अगर वो आयन एक्सेलरेट कर रहा है तो वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर फेस में होनी चाहिए। मीन्स क्या है इस बात का कि जब आयन एक प्रो सिलेंडर के बाहर निकले तो जो पोटेंशियल है उस टाइम रिवर्स हो जाना चाहिए। ओके सो इट इज़ क्लियर फॉर द आयन्स टू बी एक्सेलरेटेड टू बी इन प्रॉपर फेस, सी है, टू बी इन प्रॉपर फेस, टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉड शुड बी हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर। ओके सो उसके पीरियड से हाफ होना चाहिए, क्योंकि ये अगर वो ट्यूब लेंथ है और इस तरह इस पीरियड का हाफ होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही पोटेंशियल बदलेगा वो उस ट्यूब के बाहर आ जाए, अगर वो बाहर नहीं आएगा तो वो वहीं ट्रैप हो जाएगा अगर पोटेंशियल चेंज हो गया पहले। सो वो प्रॉपर एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए, एग्जैक्ट मैच शुड बी देयर। और यहाँ देखो क्या मैच होना चाहिए, वो जो लेंथ है, लेंथ ऑफ ट्यूब मैंने कहा था ना कैलकुलेटेड मैनर में इंक्रीज करती है, तो वो किस तरह निकालते हैं? सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमने कहा है ना कि टाइम टेकन बाय देम टू ट्रेवल द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव इलेक्ट्रोड्स या फिर ट्यूब्स शुड बी हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द आयन्स। सो एल एन शुड बी वी एन, लेंथ क्या होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, और टाइम क्या है हाफ ऑफ द टाइम पीरियड टी बाय टू। अगर फ्रिक्वेंसी न्यू है सो टी की वैल्यू क्या होती है, वन ओवर न्यू, सो दिस इज वी एन डिवाइडेड बाई टू न्यू। एल एन डिस्टेंस है बिटवीन एनथ एन, यहाँ जो सबस्क्रिप्ट यूज़ किया उसका मतलब है कि डिस्टेंस बिटवीन एन एंड एन एन प्लस वन और टू, जनरल एक्सप्रेशन ये डिराइव किया। नेक्स्ट इज द एनर्जी ऑफ द आयन, कि वो बाहर निकलेगा तो किस एनर्जी से निकलेगा। लेट वी बी द इफेक्टिव वोल्टेज, सी हियर, वी ई बी द इफेक्टिव वोल्टेज, और अल्टरनेटिंग वोल्टेज है सो इट इज़ वी इज इक्वल्स टू वी नोट साइन ओमेगा टी। वी नॉट हम मानते हैं कि वी नॉट इज़ द पीक वैल्यू ऑफ द ई एम एफ एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द आयन्स इन पासिंग थ्रू वन गैप। एनर्जी क्या होती है, सिंपली चार्ज इंटू पोटेंशियल, सो इट इज़ क्यू इंटू वी, क्यू इज़ द चार्ज ऑन द आयन। सो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड, कि जितनी हम उसे पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ये जो पोटेंशियल अप्लाई करके एनर्जी दे रहे हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी में उसकी कन्वर्ट हो रही है क्योंकि आयन एक्सेलरेट हो रहा है।
So that's why this is half mv n square is equals to n q v e, क्योंकि n successive gap है ना, एक ही gap से वो travel नहीं हुआ है. After n stage हम देख रहे हैं कि total energy n q v e, एक में q v e है तो n times होगा, तो n q v e plus k. अभी k factor हमने q लगाया, m उसका mass है यहाँ पे, mass of the ion, q is the charge on the ion. द कॉन्स्टेंट के एंटर्स इन द रिलेशन बिकॉज ऑफ द पार्टिकल एंटर द एक्सेलरेटर विद एन एनर्जी. जो पार्टिकल है बिल्कुल रेस्ट पे नहीं है, उनकी अपनी भी एक एनर्जी है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी एड हो रही है और वो पूरी की पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है. सेकेंड जो गैप है वो हाफ ऑफ द ओनली फर्स्ट गैप हैज ओनली हाफ द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इफ द ऑसिलेटर इज बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. बाकी में क्या है कि एक पे पॉजिटिव है तो अगले पे नेगेटिव है, बट इनिशियल जब वो आयन निकल रहे थे, लेट मी शो यू अगेन यहाँ पे. सो ये इसके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है तो यहाँ ओनली हाफ पोटेंशियल है. अगला ये देखो, वन थिंग सी है, ये ग्राउंड पे था, सपोज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल अलग है, और अगर ये ग्राउंड पे है जीरो लेवल पे है तो हाफ ऑफ द पोटेंशियल मिला है इस चीज़ को. दैट्स व्हाई वो के फैक्टर आपके पास पिक्चर में आया है. सो यहाँ से अगर आप निकालना चाहें वी एन निकालना है, सो दिस इज टू ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी एंड यू विल गेट दिस टर्म अंडर रूट टू एन क्यू वी ई प्लस के डिवाइडेड बाई एम. स्पेशल केस में अगर के ज़ीरो है, अगर किस तरह हम मैनेज कर लें, देन वेलोसिटी इज अंडर रूट टू एन क्यू वी ई डिवाइडेड बाय एम. ओके, और अगर आपको एन एस सिलेंडर की लेंथ निकालनी है जिसमें हम इंटरेस्टेड थे, अब हमने वेलोसिटी निकाल ली है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, लेंथ और इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन है. यहाँ देखो, एल एन इज वी एन टी बाय टू और वी एन डिवाइडेड बाई टू न्यू. वी एन की वैल्यू हमारे पास आ गई है, सो एल एन इज़ वन ओवर टू न्यू, वी एन की वैल्यू हमने पुट कर दी. दिस इज द वैल्यू ऑफ वी एन अंडर रूट टू एन क्यू वी ई प्लस के ओवर एम. फ्रॉम दिस रिलेशन वी कंक्लूड दैट एक्सेलरेटिंग आयंस टू लार्ज वेलोसिटी. इस रिलेशन से देखिए, अगर लार्ज वेलोसिटी करना तो हमें वी ई ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा और सक्सेसिव स्टेज ज़्यादा होनी चाहिए. So the magnitude of applied voltage should be large and the number of cylindrical tube used in the accelerator should be large, क्योंकि n के directly proportional है. और इस relation से आप ये देखिए कि हमें length किस order में increase करनी है. यहाँ पे for a given charge हम n q fix रखते हैं क्योंकि ion fix है, applied voltage मान लीजिए एक बार fix है तो वो directly proportional है length, frequency भी fix है कि एक बार हमने जो field लगा दिया. सो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विच थिंग, किसके प्रोपोर्शनल है एल एन. क्या चीज़ बचा, अंडर रूट एन, के भी कॉन्स्टेंट हो गया, क्यू कॉन्स्टेंट है, वी कॉन्स्टेंट है, एम कॉन्स्टेंट है. सो जो ट्यूब की लेंथ है अंडर रूट एन में इंक्रीज कर रही है, सी वन सी टू सी थ्री की, सो इट मस्ट बी इन रेशो 1:2:3 रिस्पेक्टिवली. लेंथ ऑफ द ट्यूब कैन भी इंक्रीज बाय, और एक और तरीका है कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दें तो भी लेंथ ऑफ फ्रिक्वेंसी डिक्रीज करेंगे तो लेंथ इंक्रीज करेगी. बट आप ये सोचिए कि हर बार ट्यूब की लेंथ मान लो पहले 1 है, फिर अंडर रूट 2, फिर अंडर रूट 3. सो अगर हमें 10 स्टेजेस लगानी है तो इस तरह लेंथ बढ़ती जा रही है और ट्यूब का जो हमारे लीनियर एक्सेलरेटर का साइज बढ़ता जा रहा है और वो अनडिजायरेबल होते हैं. इसीलिए हम हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करते हैं. अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमें छोटी लेंथ की ट्यूब्स लगानी पड़ेगी सेम एनर्जी को लेने के लिए. सो इट मे बी सीन इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, इक्वेशन 3.1, ये देखो, अगर वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करती है, एल इज इक्वल्स टू वी ओवर टू न्यू है ना, सो सी ओवर टू न्यू हो जाएगा या फिर लैमडा बाय टू. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसिक्यूटिव गैप, इतनी कम लेंथ के हो जाएंगे वो सिलेंडर अगर हम फ्रिक्वेंसी इतनी इंक्रीज कर देते हैं तो. ओके, नेक्स्ट थिंग देखो, इट मीन्स दैट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ आयन अप्रोचेस द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर हम उनकी वेलोसिटी वहाँ तक पहुँचाते हैं, लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल ट्यूब विल बी कॉन्स्टेंट एंड दिस विल इक्वल्स टू द हाफ ऑफ द वेव लेंथ एमिटेड बाय द ऑसिलेटर. सो उसकी वेव लेंथ का हाफ लगानी पड़ेगी तो कितनी छोटी ट्यूब्स होगी और वो कॉन्स्टेंट हो जाएंगी लेंथ, उसके बाद इंक्रीजिंग लेंथ लगाने की जरूरत नहीं है. अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा आयन है वो फिगर शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव सिलेंडर किस तरह की है. सी है, यहाँ पे
डिस्क्राइब किया गया है आपके पास डायग्राम में, ये डायग्राम और ये कुछ भी आपकी बुक में नहीं है, तो ये ध्यान से देखना। ये मान लीजिए दो सिलेंडर यहाँ आपके पास बने हुए हैं, ये रहे ये सिलेंडर है, एक सिलेंडर ख़त्म हो रहा है, दूसरा है, और जो आयन एक्सलरेट होता है उन दोनों सिलेंडर के बीच में एक्सलरेट हो रहा है इस रीजन में। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ इंटरेस्ट वी आर, ये हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे आयन एक्सलरेट हो रहा है, इसके अंदर तो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। सो हम मानते हैं कि इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड, यहाँ पे ये लाइन ऑफ फोर्सेस इस तरह है, हम मानते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आयन बाहर आया, पॉजिटिव आयन है, तो ये जो सरफेस है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये सरफेस नेगेटिव पोटेंशियल पे। सो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का होंगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, और उसकी डायरेक्शन ये मैंने डैश डैश और एरो से यहाँ डायग्राम में शो की हुई है। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपके लिए क्लियर होगी, डायरेक्शन एंड ऑल दैट। सो जब वो फर्स्ट इंसिडेंट आयन मूव कर रहा है, यहाँ देखो ये प्लॉट भी किया हुआ है, फर्स्ट रीजन में एरो नीचे की तरफ है। सो वेलोसिटी में मान लेते हैं कि जो इंक्रीज हुआ है दैट इज़ डेल्टा वी, यही इंक्रीज हुआ है इंक्रीमेंट। सो इसको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो, डायरेक्शन नीचे की तरफ है, टू कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ये होंगे, दिस डेल्टा वी ए इस डायरेक्शन में और डेल्टा वी एक्स इस डायरेक्शन में। ओके, उसी बाद अगर सेंटर हाफ के बाद आप देखें, अब जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो गई है, इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो लाइक दिस। सो जो ये डायरेक्शन में आया है आपके पास एक्स डायरेक्शन में, दिस इज डेल्टा वी, और जो अपवर्ड डायरेक्शन में है डेल्टा वी एक्स, अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या कहते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास आएगा डेल्टा वी ए। ओके, अब यहाँ देखो कि आर्ली क्या होना चाहिए, जो नीचे वाला पार्ट है इसमें नीचे जा रहा है, इसमें ऊपर जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है तो कैंसिल होनी चाहिए, और ये दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी फॉरवर्ड ये भी फॉरवर्ड, सो ये दोनों एडअप होके बीम फॉरवर्ड में जानी चाहिए, बट ये साथ साथ उसको क्या करता है, कोलिमेट करने का काम भी करता है। क्यों? क्योंकि ये जो डेल्टा वी ए की इसकी बात करें, इसकी इसका टाइम ज़्यादा है रिस्पेक्टिवली टू दिस। सी अब यहाँ वर्डिंग देखिए, ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द गैप इट विल रिसीव ए सिमिलर इंक्रीमेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द अदर कंपोनेंट वी ए डैश, ये जो अपवर्ड कंपोनेंट है, विल बी डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द एक्सिस एट राइट एंगल टू इट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वी ए डैश इज स्मॉलर देन दैट ऑफ वी ए, क्योंकि जो सेकेंड हाफ ऑफ गैप में है एंड फास्टर ट्रेवल करता है, इसीलिए अप्लाइड फील्ड के में वो शॉर्टर